नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शिखर क्लासेस पे। आज मैं एक स्पेशल मुद्दे को लेकर आपके सामने आया हूं, जो कि कल ही सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार है। उसमें कहा गया है कि एक समलैंगिक सेक्सुअलिटी को मान्यता दे या नहीं दे, इसके बारे में थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको मान्यता देने से मना कर दिया है, तो इसके बारे में हम आज कुछ चर्चा करते हैं। इसमें क्या है, क्या नहीं है, किन देशों में है, किन देशों में नहीं है, इनको लेकर हम इसमें चर्चा करते हैं। तो हमारी थी कि समलैंगिक विवाह को अवैध घोषित करवाने के लिए क्या क्या बोली सरकार, ये भी हम देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, उनमें से 5 जजों की जो टीम थी, 2 ने उसको मान्यता दी देने के लिए हाँ मान्यता के पक्ष में थी, और 3 है वो मान्यता के पक्ष में नहीं थे। इसके बारे में हम कुछ चर्चाएं करेंगे। इनमें पहले हम देखते हैं कि देखो, ये देखो सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या, उसको पहले देखते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि समलैंगिक विवाह नागरिक संघ को मान्यता देने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि समलैंगिक विवाह को नागरिक संघ द्वारा मान्यता देने से इनकार कर दिया। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को समलैंगिक जोड़ों के विवाह करने या नागरिक संघ बनाने के अधिकार को मान्यता देने से इनकार कर दिया, और इस मुद्दे को तय करने के लिए इसे संसद पे छोड़ दिया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि हो सकता है इनके लिए सही है, और हम भी कुछ हद तक मानते हैं कि यह सही है, लेकिन हमारा काम है कानून की व्याख्या करना, न कि कानून बनाना। ये वो काम है संसद का, इसलिए उसको किस पे छोड़ दिया, संसद पे छोड़ दिया। भारत में जो भी कानून या नियम जो भी बनाए जाते हैं एक्ट, वो एक संसद बनाती है, वो अधिकार सिर्फ संसद को ही है। पर कानून की व्याख्या करना और उनकी रक्षा करना और उनको सही से लागू करवाना, ये काम है लागू करवाने का काम कार्यपालिका है, और व्याख्या करना और रक्षा करना ये काम किसका है, हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट का है। तो इसमें इन्होंने कहा है कि यह मुद्दा तय करने के लिए संसद पे छोड़ दिया जाए। इसके बारे में 5 न्यायाधीशों की संविधान की पीठ थी, उसमें सर्वसम्मति से है कि वह विशेष विवाह के अधिनियम स्पेशल मैरिज एक्ट के प्रावधानों को रद्द नहीं कर सकती, या गैर विषम लैंगिक जोड़ों को इसके दायरे में शामिल करने के लिए अलग शब्द नहीं पढ़ सकती। जो स्पेशल मैरिज एक्ट है उसको ना तो रद्द कर सकते हैं और ना उसको अलग से कुछ पढ़ने के लिए शब्द दे सकते हैं, ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। उसकी 14 सालों की लंबी लड़ाई के बाद भारत में मान्य नहीं है सेम सेक्स मैरिज। ये बात कहा है कि जिसे होमोसेक्सुअलिटी कहते हैं वो भारत में मान्य नहीं है। 14 सालों से ये भारत में इसकी लड़ाई लड़ी जा रही थी, सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पे उसको मान्यता नहीं मिली, सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है। इसमें हम देखते हैं, फिर हम कुछ बातें देखते हैं। देखो समलैंगिक विवाह पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, जीवन साथी चुनना जीवन का अभिन्न अंग है। इस मतलब जीवन साथी चुनना जीवन का एक अभिन्न अंग है, अलग अंग है, बिना अभिन्न अंग है। इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बातें कही है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे, तो उसको हम देखते हैं, उनकी कुछ बातें हैं उनको हम लेके आते हैं। देखो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अगर 2 ट्रांसजेंडर व्यक्ति शादी की इच्छा रखते हैं और इस प्रक्रिया में खुद की पहचान ट्रांसमैन और ट्रांस वुमन के रूप में करते हैं, तो उनकी शादी को स्पेशल मैरिज एक्ट में रजिस्टर्ड किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है वो यदि शादी की इच्छा रखते हैं, वो शादी करना चाहते हैं, तो उसको स्पेशल मैरिज एक्ट के रजिस्टर किया जा सकता है। लेकिन उनको क्या करना होगा कि अपनी मान्यता है, अपना जो पहचान है, वो ट्रांस मैन और ट्रांस वुमेन में ही बतानी होगी। इसलिए इन्होंने कहा, अगर 2 ट्रांसजेंडर व्यक्ति शादी की इच्छा रखते हैं और इस प्रक्रिया में खुद की पहचान ट्रांस मैन और ट्रांस वुमेन के रूप में करते हैं, तो उन्हें स्पेशल मैरिज एक्ट में शामिल किया जा सकता है। फिर उन्होंने कहा कि
LGBTQ प्लस समुदाय में आने वाले सभी समुदाय के कपल यदि खुद की पहचान पुरुष और महिला के रूप में बताते हैं वो भी शादी कर सकते हैं। मतलब खुद की पहचान महिला या पुरुष के रूप में बताते हैं वो शादी कर सकते हैं। उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा शादी तो कर सकते हैं लेकिन जो नियम और एक्ट है कानून है वो बनाने का काम संसद का है। LGBTQ का मतलब है जो लड़के लड़के करते हैं, लेस्बियन क्या लड़कियां लड़कियां करती है वो लेस्बियन, जो लड़के लड़के होमोसेक्सुअली संबंध रखते हैं वो है गे, और जो पुरुष और महिला दोनों के साथ रखते हैं वो बायोसेक्सुअल, और ट्रांसजेंडर जो कम्युनिटी है वो सेक्स की सेक्सुअलिटी रखते हैं वो है ट्रांसजेंडर, और क्यों का मतलब है जिन्होंने अपना जेंडर चेंज करवाया पुरुष से महिला में या महिला से पुरुष में। इन समुदाय में आने वाले सभी समुदाय के कपल यदि खुद की पहचान पुरुष और महिला के रूप में बताते हैं तो वो भी शादी कर सकते हैं। ये बात किसने कही है? सुप्रीम कोर्ट ने कही है। इसके बाद आगे चलते हैं और क्या क्या कहा है उनके बारे में देखते हैं। फिर देखो जो हमारे जस्टिस है CS है मुख्य जो चीफ जस्टिस है उन्होंने क्या कहा है उनकी बात है। चीफ जस्टिस कौन है भारत के सुप्रीम कोर्ट के? DY चंद्रचूड़, ये ध्यान में रखना। अब इन्होंने क्या कहा है, यदि स्पेशल मैरिज एक्ट खत्म कर दिया गया तो यह देश को आजादी से पहले के युग में ले जाएगा। अब उन्होंने कहा यदि स्पेशल मैरिज एक्ट बना हुआ है उसको यदि खत्म कर दिया तो यह हमें कहां ले जाएगा, 50 मतलब आज से 75-70 साल पीछे ले जाएगा, आजादी से पहले युग में ले जाएगा। दूसरा दृष्टिकोण अपनाता है, यदि कोर्ट दूसरा दृष्टिकोण अपनाता और स्पेशल मैरिज एक्ट में शब्द जोड़ता है तो यह संभवतः विधायिका की भूमिका में जाना होगा। उसने कहा है कि ना तो हम स्पेशल मैरिज एक्ट को खत्म कर सकते हैं, यदि खत्म कर दिया तो बहुत पीछे चले जाएंगे, आजादी से पहले युग में चले जाएंगे, और यदि हमने स्पेशल मैरिज एक्ट में कुछ शब्द जोड़ दिए तो ये हम जो संसद का अधिकार है उस पर कुठाराघात करेंगे, तो ये काम संसद को करना है तो उसकी भूमिका में जाना होगा। ये बात कही है जस्टिस चंद्रचूड़ जी ने। फिर कहा है कि शादी के अधिकार में संशोधन का अधिकार विधायिका के पास है। अब ये शादी का जो अधिकार है उसमें संशोधन है वो किसके पास है? विधायिका के पास है। लेकिन LGBTQ+ लोगों के पास पार्टनर चुनने और साथ रहने का अधिकार है, लेकिन जो ये है होमोसेक्सुअलिटी वाले उनको भी पार्टनर चुनने और साथ रहने का अधिकार है, और सरकार को उन्हें दिए जाने वाले अधिकारों की पहचान करनी चाहिए। सरकार मतलब उन्होंने कहा है कि संसद को ये पहचान करनी चाहिए, जो सरकार उसको ये देखना चाहिए कि ये भी इंसान है, इनके भी कुछ इच्छाएं हैं तो उनको भी कुछ अधिकार है, तो वो भी ताकि ये कपल एक साथ बिना परेशानी के रह सके। ये बात की है उन्होंने चीफ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट के जो है DY चंद्रचूड़ ने कि ये जो है अधिकार संशोधन के अधिकार तो संसद के पास है पर सरकार को भी ये देखना चाहिए कि इनके भी कुछ अधिकार है इच्छाएं हैं तो उनको भी अधिकार और देने चाहिए ताकि एक बिना किसी परेशानी के एक साथ रह सके बिना किसी डर के। ये बात कही है। फिर उन्होंने और क्या कहा ये देखते हैं कि ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं जो यह दिखाता है या साबित करता हो कि सिर्फ विवाहित या विषम लैंगिक महिला और पुरुष ही बच्चे को मिलकर अच्छी परवरिश कर सकते हैं। अब उन्होंने क्या कहा कि ट्रांसजेंडर और ये जो समलैंगिक ये बच्चे को गोद ले सकते हैं और उनकी परवरिश भी कर सकती है, तो उन्होंने इस पे कमेंट करते हुए कहा कि ऐसा कोई नियम या कोई हमारे पास उदाहरण नहीं है कि केवल महिला और पुरुष जो शादी करते हैं विषम लैंगिक होते हैं वो ही बच्चे की परवरिश अच्छी तरीके से कर सकते हैं। जो अविवाहित होते हैं या फिर जो समलैंगिक या जो गोद लेते हैं बच्चे को वो भी तो अच्छी परवरिश कर सकते हैं, तो उनको भी मान्यता मिलनी चाहिए कि वो बच्चे को गोद ले सकते हैं। फिर कहा है कि ये कहना है कि समलैंगिक क्वीयर लोग शहर में ही है ये उन लोगों की पहचान को खारिज करता है। उन्होंने कहा कि जो शहर में रह रहे हैं फिर भी उनकी पहचान नहीं है तो ये उनको खारिज करता है। जो अलग अलग हिस्सों में आते हैं, एक अंग्रेजी बोलने वाला कॉरपोरेट ऑफिस में काम करने वाला भी क्वीर हो सकता है। अब ये तो है जरूरी नहीं है कि ऐसे अलग से कोई देश में रहेंगे या अलग से जगह पे रहेंगे या अलग से शहर में रहेंगे या अलग से कॉलोनी में रहेंगे, ऐसा तो कहीं लिखा नहीं है और कहीं है नहीं। हो सकता है कोई अच्छी कॉरपोरेट या किसी अच्छे पद पे भी रहने वाला भी होमोसेक्सुअली वाला व्यक्ति हो सकता है, तो ये बात कही सुप्रीम कोर्ट ने, इसलिए उनको अलग से पहचान की आवश्यकता नहीं है। फिर देखो ये बात हो गई हमारी। फिर 14 सालों की लंबी लड़ाई के बाद भारत में मान्य नहीं है सेम सेक्स, इसके बारे में सरकार ने क्या राय रखी है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। सरकार ने क्या राय रखी है उसके बारे में हम पढ़ते हैं
क्योंकि सरकार ने भी कुछ बिंदु रखे हैं। तो समलैंगिक विवाह को अवैध घोषित करवाने के लिए क्या बोली सरकार, इन बिंदुओं के बारे में हम जानते हैं। तो चलो इन बिंदुओं के हम बारे में जानते हैं। तो देखो, पहले सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक शादी को भारत में कानूनी मान्यता देने से क्या कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक शादी को भारत में कानूनी मान्यता देने से इनकार किया। हालांकि दुनिया के कई देशों में सरकारों ने इसे कानूनी मान्यता दी है, बहुत से देशों ने दी है, लेकिन क्या भारत सरकार ने इसको, सुप्रीम कोर्ट की जो भारत सरकार की सर्वोच्च न्यायालय है उसने मना कर दिया। तो उसमें उन्होंने क्या लिखा है, भारत सरकार ने इनको अवैध घोषित करने के लिए अपनी कुछ राय रखी है, जो उनकी तरफ से जो वकील था उन्होंने कुछ बातें रखी, उनके बारे में हम पढ़ते हैं। उन्होंने कहा है कि समलैंगिक विवाह को वैध बनाने के पक्ष में सामाजिक सहमति की भारी कमी है। एक तो समाज है अपना, वो इस बारे में नहीं कहता कि इन्हें मान्यता देनी चाहिए। समाज इन्हें क्या मानता है, एक अलग और गलत मानता है बहुत ही। भारत में जितने भी ये जो लिंगा भेद वाला सिस्टम है इसको और ज्यादा मजबूत करता है अपना समाज करता है, अपना धर्म करता है। तो इनमें उन्होंने क्या है कि सामाजिक सहमति की भारी कमी है। भारत राज्य का मानना है कि कानून को भारत के सामाजिक सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संदर्भ का सम्मान करना चाहिए। जो भारत का सांस्कृतिक समाज है, सांस्कृतिक है, सामाजिक और ऐतिहासिक जो समाज है उसकी भी हमें, भारत राज्य ये मानता है कि कानून है वो उनकी भी रक्षा करे, उनका भी सम्मान करे, तो नहीं दी जा सकती। फिर समलैंगिकता को भारतीय सांस्कृतिक मानदंडों के विपरीत माना जाता है। अब जो भारत के जितने भी सांस्कृतिक या धर्म से संबंधित या समाज से संबंधित जो नियम है उनके बिल्कुल विपरीत माना जाता है होमोसेक्सुअलिटी को। इसमें अचानक कोई भी परिवर्तन सामाजिक अस्थिरता पैदा कर सकता है कि अचानक यदि इसमें कोई परिवर्तन किया जाएगा, जो हमारे नियम है समाज के उनमें यदि अचानक कोई बदलाव किया जाएगा तो बहुत बड़ी अस्थिरता पैदा हो जाएगी समाज के अंदर। फिर उन्होंने कहा है कि विवाह को पारंपरिक रूप में से एक पुरुष और एक महिला के बीच का बंधन के रूप में देखा जाता है, जो लंबे समय से चले आ रहे धार्मिक और सामाजिक मानदंडों को दर्शाता है। कि विवाह का जो रूप है उसमें यही है कि विषम लैंगिक एक महिला और एक पुरुष ही शादी कर सकते, इसी के रूप में देखा जा सकता है। यह सामाजिक मानदंड है हमारे, जो उनको यही इसी तरीके से दर्शाया जाता है। इसके बाद और उन्होंने क्या कहा ये हम देखते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार देश के, उन्होंने कहा सरकार ने देश के नैतिक और सामाजिक ताने बाने के अनुसार विवाह संस्था को विनियमित करने का अपना अधिकार बरकरार रखा है। कि सरकार है उसने जो विवाह से संबंधित या सामाजिक से संबंधित जो भी नियम बदलने हैं या करने हैं वो अपने पास सुरक्षित रखे हैं, वो किसी को दे नहीं रखे हैं। जैसा कि सरकार द्वारा सर्वेक्षण किया गया कि जनता की राय मुख्य रूप से समलैंगिक विवाह के खिलाफ है, इसे बदलना मुश्किल है। तो सरकार ने क्या कहा कि हमने पूरी भारत की जनता की राय ली है, उसके अंदर उन्होंने सभी ने लगभग जो मेजोरिटी है उसने इसके खिलाफ बोला है, तो हम इसको बदल नहीं सकते, ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि बाकी है जो आवाज उठाएंगे और अस्थिरता पैदा होगी। सरकार ने याचिकाओं द्वारा भी परिस्थितियों में समानता के अधिकार को समान रूप से लागू करने के आह्वान पर सवाल उठाया। सरकार की जो याचिकाए थे, जो जिन्होंने यहाँ अर्जी लगाई थी कि हमें मान्यता मिलनी चाहिए, उनकी सभी परिस्थितियों में समानता के अधिकार के रूप में जो उन्होंने कहा है उसको भी समान रूप से लागू करने के बात कही थी, उन पे भी सवाल उठाए हैं। फिर सरकार ने प्राकृतिक संरचना पर जोर देते हुए समान लिंग और विषम लैंगिक जोड़ों के बीच जैविक अंतर का तर्क दिया है। जो प्राकृतिक संरचना है एक अपने समाज या अपने इस समुदाय की, उसके अंदर विषम लैंगिक जोड़ों के बीच जैविक अंतर को किया है। प्राकृतिक महिला और पुरुष ही शादी कर सकते हैं, वही एक बच्चा पैदा कर सकते हैं, तो इन जो जैविक अंतर है इनका भी इन्होंने तर्क दिया है। और क्या कहा है सरकार ने इसको अवैध घोषित करने के लिए, कि समान लिंग वाले जोड़ों की कानूनी मान्यता बच्चों और किशोरों के रिश्ते के मानदंड की समझ को प्रभावित कर सकती है। अब उन्होंने क्या कि यदि समलैंगिक विवाह को मान्यता दे दी गई है तो ये जो बच्चे हैं, युवा है, इनके दिमाग पे है गलत असर डालेगी, इनके मानदंडों को समझ को प्रभावित करेगी, ये अलग अलग तरीके से समझेंगे और उनको अलग हिसाब से लेंगे, तो एक सामाजिक संरचना वो बिगड़ेगी। फिर उन्होंने कहा कि विवाह एक संस्था के रूप में प्रजनन
क्या सामाजिक उद्देश्य को पूरा करता है तो समान लिंगी वाले में संबंध। अब उन्होंने कहा है कि बच्चे को जन्म सिर्फ और विषम लैंगिक है विवाह करते हैं स्त्री और पुरुष वही दे सकते हैं, तो ये क्या है समान लिंग विवाह में संभव नहीं है। तो ये भी उन्होंने एक तर्क दिया सरकार ने। फिर विवाह को पुनर्वासित करने का दुष्प्रभाव पड़ सकता है कि यदि विवाह शब्द है उसको यदि पुनर्वासित यदि दोबारा नई परिभाषा दी जाती है तो उसका दुष्प्रभाव पड़ेगा, जिससे राज्य के अन्य रिश्तों को भी कानूनी मान्यता देने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। अब उसके अंदर राज्य के अनेक रिश्ते और निकल जाएंगे, भाई बहन जो भी अपने जो रिश्ते हैं समाज में जितने भी है पति पत्नी दादा दादी माता पिता, उन रिश्तों में एक अलग से परिभाषा और उनमें अलग एक भाव पैदा हो जाएगी क्या किसको क्या नाम दिया जाए, इसके लिए भी सरकार ने मना किया है। फिर यह विधायिका है न्यायपालिका नहीं जिसे ऐसे महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय लेने चाहिए। फिर उन्होंने अपने पक्ष में निर्णय लिए थे, सरकार ने कहा कि यह एक विधायिका है विधान बनाने वाली संस्था है न कि न्यायपालिका है जिसे महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय लेने का अधिकार ले जिसे ऐसे महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय लेने चाहिए। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका नहीं है किसी के साथ न्याय अच्छा है बुरा वो करें, हमें खुद के नीति निर्णय है वो खुद लेने चाहिए और उस हिसाब से ही यदि पूरी जनता की जिसमें भलाई है वही निर्णय हम ले सकते हैं, ये बात कही है भारत सरकार ने। इसके बाद और क्या कहा वो देखते हैं। फिर कहा कि सरकार ने यह भी उल्लेखित किया है कि बड़े पैमाने पर भारतीय समाज अभी भी समलैंगिकता को अपराध मानता है। तो ये बात हमने देखी थी कि भारतीय जो समाज है वो मेजोरिटी है वो समलैंगिक विवाह को अभी भी अपराध मानता है, अपराध की श्रेणी से मुक्त करने के निर्णय से सहमत नहीं है। अब इसको अपराध की श्रेणी से मुक्त नहीं कर सकते हम क्योंकि मेजोरिटी किसकी है जो समलैंगिक विवाह के खिलाफ है। फिर सरकार ने कहा कि भारत का अनोखा सांस्कृतिक और सामाजिक तानाबाना विवाह की समझ को प्रभावित करता है। भारत सरकार ने कहा है कि विवाह का जो तानाबाना एक विवाह शब्द है उसकी भी एक अलग अपनी संरचना है, उसकी भी एक अलग बाउंड्री है, उसके तानाबाना को प्रभावित करेगा यह। फिर समान लिंग वाले जोड़ों द्वारा गोद लेने के मुद्दे पर सवाल उठाया गया जिससे बच्चे के पालन पोषण को लेकर चिंताएं बढ़ गई। अब जो समलैंगिक विवाह वाले यदि वो बच्चे को गोद लेते हैं तो उनके भी ऊपर भी सवाल उठाए गए कि इनका परवरिश कैसे की जाएगी, यदि वो बड़ा होगा तो समाज में किस तरह की स्थिति को देखेगा, किस परिवेश में बड़ा होगा, क्या सोचेगा, क्या उसकी सोच रहेगी, उस पर भी उन्होंने चिंताएं बढ़ा दी और यही उन्होंने ऐसा लिखा है। उसके बाद हम देखते हैं कुछ और जो फैक्ट है उसके उसमें हम लेते हैं 14 सालों की लड़ाई थी उसको हम देखते हैं, जो भारत की 14 सालों की लड़ाई थी उसको हम देखते हैं। तो उसमें उन्होंने क्या कहा है देखो, जुलाई 2009 में दिल्ली हाई कोर्ट ने लेस्बियन गे रिलेशनशिप को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया था। किसने कर दिया था? दिल्ली सरकार ने इस श्रेणी से बाहर कर दिया गया था। कब किया? जुलाई 2009 में लेस्बियन और गे रिलेशनशिप अपराध की श्रेणी से बाहर, क्योंकि समाज हमारा अपराध मानता है इसको, इसको उन्होंने क्या किया कि अपराध श्रेणी से बाहर कर दिया। फिर दिसंबर 2023 में वापस सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को पलटते हुए समलैंगिक अपराध को वापस श्रेणी में रख लिया, अपराध की श्रेणी में रख दिया समलैंगिक विवाह को। कब? वापस दिसंबर 2013 में। फिर अप्रैल 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडर को दी तीसरी जेंडर के तौर पर पहचान। अब ट्रांसजेंडर थे जो उनको तीसरे जेंडर के रूप में कब दी? तो ये ध्यान रखें अप्रैल 2014 में ट्रांसजेंडर को एक अलग जेंडर के तीसरे जेंडर के रूप में मान्यता दे दी। फिर अगस्त 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया। अब जो अपनी प्राइवेसी होती है उसको क्या कर दिया? मौलिक अधिकार बना दिया। कब बना दिया? अगस्त 2017 में। तो ये भी एक मौलिक अधिकार बन गया, निजता का अधिकार, प्राइवेसी है आदमी की उसको। फिर इसी श्रेणी में आगे बढ़े तो सितंबर 2017 में सेम सेक्स मैरिज का मामला नवतेज सिंह बनाम भारत सरकार हो गया। नवतेज सिंह बनाम भारत सरकार ने समलैंगिक विवाह को के लिए केस कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक संबंध को अपराध की श्रेणी से वापस बाहर कर दिया। अपराध की जब इस उन्होंने केस किया सितंबर 2018 में, तो नवतेज सिंह बनाम भारत सरकार ने, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, पहले इसको दिसंबर 2013 में अपराधों की श्रेणी में लाए थे, उसको वापस अपराध से बाहर कर दिया कि समलैंगिक विवाह है वो अपराध नहीं है। फिर अक्टूबर 2013 में केरल हाई कोर्ट ने लेस्बियन जोड़े को लिव इन रिलेशन रहने की इजाजत दे दी। लिव इन रिलेशनशिप में किसको इजाजत दे दी? लेस्बियन जोड़े को इजाजत दे दी। तब दी अक्टूबर 2018 में। तो इस प्रकार इसी श्रेणी में हम आगे बढ़ते हैं।
फिर क्या हुआ कि नवंबर फिर वापस जनवरी 2020 में समलैंगिक विवाह के हक के लिए केरल हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई। फिर सितंबर 2020 में सेम सेक्स मैरिज के हक के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई और केंद्र सरकार से जवाब मांगा। फिर साल 2020-21 में दिल्ली में समलैंगिक विवाह के हक के लिए 7 याचिकाएं दायर हो गई। फिर ये कुनबा बढ़ता गया। फिर नवंबर 2022 में समलैंगिक विवाह की जोड़ी ने सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में सेम सेक्स मैरिज को मान्यता देने की मांग कर दी। किसने कर दी? सुप्रीम कोर्ट की जिसमें याचिका थी उसमें दायर। फिर नवंबर से दिसंबर 2022 में समलैंगिक विवाह को मान्यता के लिए 20 और याचिकाएं दर्ज हो गई। मतलब ये कुनबा बढ़ता गया। फिर उसी के साथ उसी कड़ी में आगे चलते हुए 6 जनवरी को हाई कोर्ट में सेम सेक्स मैरिज से जुड़ी सभी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया। अब जितने भी ये हाई कोर्ट में आ रही थी तो उन्होंने कहा कि सारी की सारी को ट्रांसफर, जितनी भी याचिकाएं आ रही हैं उनको सुप्रीम कोर्ट के पास ट्रांसफर कर दो क्योंकि ये हमारे बस की बात नहीं रही है। फिर 13 मार्च 2023 को सीजीआई की 3 जजों की पीठ ने मामला 5 जजों की पीठ को भेज दिया। पहले 3 ही थे उसमें फिर 5 भेज दिया। फिर 24 मार्च 2023 को सेम सेक्स मैरिज से जुड़ी याचिकाओं का विरोध जिसने हाईकोर्ट के 21 रिटायर्ड जजों ने किया, जो ये याचिकाएं थी समलैंगिक विवाह की उनका विरोध किन्होंने किया, जो हाईकोर्ट से रिटायरमेंट ले रखे जज थे उन्होंने किया। इसकी मान्यता भारतीय वैवाहिक परंपराओं के लिए खतरा है ये कहते हुए किया। फिर 18 अप्रैल 2023 में समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाली याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई शुरू कर दी और 11 मई 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने 10 दिन की सुनवाई के बाद सेम सेक्स मैरिज मान्यता देने वाली याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रखा और अंत में 17 अक्टूबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक शादी को मान्यता देने से मना कर दिया, इनकार कर दिया और कहा यह हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, इसमें नियम बनाना संसद के अधिकार क्षेत्र का मामला है, हमारा काम कानून की रक्षा करना और व्याख्या करना, यह कह के उन्होंने कह दिया। तो इनमें हमने 2-3 इंपॉर्टेंट बातें देखी थी, उनको एक बार वापिस मैं आपको बता देता हूं कि जो अप्रैल में ट्रांसजेंडर के तीसरे जेंडर को अप्रैल 2014 में ट्रांसजेंडर के रूप में तीसरे जेंडर को मान्यता दी थी तो कब दी थी? अप्रैल 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने दी थी, ये ध्यान में रखना। फिर सितंबर मैरिज, फिर देखो अगस्त 2017 में ये दो चीजें, अगस्त 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में माना तो ये ध्यान में रखना। अप्रैल 2014 में तो ट्रांसजेंडर को तीसरे जेंडर के रूप में मान्यता दी गई और अगस्त 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने प्राइवेसी और जो निजता का अधिकार है उसको मौलिक अधिकार के रूप में दिया गया। फिर इसी की कड़ी में हम आगे देखते हैं, कुछ और बातें थी हमारी, उनमें कुछ फैक्ट है वो देख लेते हैं हम किस देश में क्या है। तो ये देखो, देखो ये हमारे यहाँ नहीं है लेकिन जो यूरोपीय देश है, जो विकसित देश है, अमेरिकी देश है, दक्षिणी अमेरिकी देश है, उनमें ऐसी मान्यता है। तो उन्होंने कानूनी मान्यता दी हुई है 32 देशों ने। कितने देशों ने दी हुई है? 32 देशों ने इनको कानूनी मान्यता दी हुई है। लीगल है सेम सेक्स मैरिज 22 साल पहले नीदरलैंड बना था पहला कानून। तो यह सेम सेक्स का पहला कानून किस देश में बनाया गया था, किस में बनाया गया था? नीदरलैंड में बनाया गया था, 22 साल पहले बनाया गया था। तो 22 साल का मतलब ये मान लो 2023 चल रही है तो 2000 के में होगा तब नीदरलैंड पहला, तो पहला देश कौन सा था होमोसेक्सुअली को देने वाला, मान्यता देने वाला था, वो नीदरलैंड। फिलहाल में कितने देशों में है? तो 32 देशों ने मान्यता दे रखी। सेम सेक्स मैरिज को मंजूरी देने वाले अधिकतर कौन से देश है? यूरोपीय और दक्षिणी अमेरिकी देश है, यूरोपीय और दक्षिणी अमेरिकी देश है। कुल मिलाकर अब तक 32 देशों को इसको मान्यता दे दी गई है, इसको ध्यान में रखना। फिर देखो आगे इसके बारे में चर्चा करते हैं कुछ फैक्ट की। तो असेंबली विवाह की अनुमति देने वाला पहला देश नीदरलैंड है, ये मैंने आपको बताया कब है, अप्रैल 1 अप्रैल 2023 में सेम जेंडर मैरिज को मान्यता दे दी गई, इसको ध्यान में रखना। फिर कुछ बातें अपन और देखते हैं हम लोग। ये 2-4 फैक्ट थे, इनको ध्यान में रखना, बस इतनी सी बातें हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है समलैंगिक विवाह के बारे में कि हमारा ये काम नहीं है कि हम इस पे नियम बनाए, ये काम संसद का है, हमारा काम कानूनों की रक्षा करना और व्याख्या करना है, ये कहकर सुप्रीम कोर्ट की जो कमेटी थी उसने मना कर दिया समलैंगिक विवाह को मान्यता देने से। अब फिर
इसी लड़ाई को लड़ते हुए आगे चलते हैं। फिर अब सरकार ने अपने पक्ष में कुछ बातें रखी कि हम इसको मान्यता क्यों नहीं दे सकते। इसके बारे में हमने पढ़ा कि ट्रांसजेंडर को कब मान्यता मिली तीसरे जेंडर के रूप में 2014 में, तो वो हमने सुप्रीम कोर्ट में पढ़ा। फिर अगस्त 2017 में प्राइवेसी के अधिकार को एक मौलिक अधिकार के रूप में सुप्रीम कोर्ट ने माना, यह हमने पढ़ा। फिर जो यह समलैंगिक विवाह है उसके अंदर सबसे पहले मान्यता देने वाला देश कौन सा, वो नीदरलैंड है, वो हमने पढ़ा। वो कब 1 अप्रैल 2000 को उसने मान्यता दी थी। उसके बाद हम देखते हैं कि कुल कितने देशों ने अभी तक मान्यता दे दी है, तो 22 देशों ने मान्यता दे दी है। और फिर आगे हमने पढ़ा कि कौन कौन से क्षेत्र है या कौन कौन से महाद्वीप जो अपने 7 महाद्वीप उनमें कौन से क्षेत्र है, तो यूरोपीय महाद्वीप और दक्षिणी अमेरिकी देश है, उन्होंने ही इनको सबसे ज्यादा मान्यता दी है। तो इसी को लेकर में एक जो बात थी जो बहुत चर्चा का विषय है क्या नहीं, इसके बारे में आपको थोड़ा अवगत करवाया, इसलिए मैं ये लेके आ गया। और देखते रहिए, हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल पर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।